बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। चैप्टर नंबर 7 एफएससी 11 क्लास मैथ्स शुरू करेंगे। चैप्टर नंबर 7 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 इसका है, एवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके 12 पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में ही हम सॉल्व करेंगे। ये है 4 फैक्टोरियल, इसको खोलना है। 4 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब है कि 4 के पीछे 1 तक जितनी वैल्यूज हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है। 4 से पीछे 3 है, 3 से पीछे 2, 2 से पीछे 1, 1 तक आना है आपने। 4 फैक्टोरियल, ये हो गया 24, ये इसका आंसर आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये हमें आंसर दे देगा 6 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाता है 720, ये इसका आंसर आ गया। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, इसको हम यूं लिख लेते हैं, 8 के पीछे क्या है, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक। 8 के पीछे ये सारी वैल्यूज हैं, तो इन सबको हम इतना बड़ा लिखने की बजाय 7 फैक्टोरियल लिख लें तो एक ही बात है। इसको हम लिख लेते हैं 7 फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे हमें नजर आ रहा है 7 फैक्टोरियल मौजूद है, तो इसको वैसे ही काट देगा। ये दोनों कट गई तो ये हमारे पास 8 आ गया। नहीं ऐसा करना चाहते तो आप 8 को लिखें 1 तक वैल्यूज और 7 फैक्टोरियल को भी 1 तक लिखें और काटें और इसको यही आंसर निकाल लें। नंबर 4, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 फैक्टोरियल है, इसको 7 तक खोल लें। 10 के पीछे 9, 9 के पीछे 8, 8 के पीछे 7, 6, 3, ये सारी वैल्यूज, इन सबको 7 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो बजाय सारी लिखने के हम 7 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे नजर आ रहा है 7 फैक्टोरियल मौजूद है, तो वो इसको काट देगा। ये हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें दे देता है 8, 9, 90, 90 और 72, 10 into 9, 90, 90 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 720। इसी तरह से हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, तो नीचे 7 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, 7 फैक्टोरियल तक इसको खोल लेते हैं। 10, 9, 8, 7, पीछे 7 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, पिछली सारी वैल्यूज को 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 को 7 फैक्टोरियल लिख लिया। नीचे हमें इसको खोलने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि हमें ऊपर नजर आ रहा है, ये इसके साथ कट देगा। इसको खोल लेते हैं, ये बनेगा 4, 3, 2, 1, 4 फैक्टोरियल को लिख लिया 4 से लेकर 1 तक, 7 फैक्टोरियल से ये कट गया। तो ये सारे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इन सबको मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 990। आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हैं और नीचे आपके पास आ जाएगा, कुछ वैल्यूज काट लें या इसको मल्टीप्लाई कर लें, 11, 10, 9 और 8, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिलता है 7, 9, 7, 9, 9, 0, नीचे आ गया 24। तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलता है 330, इसका ये आंसर आ गया। नंबर 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो इसको लिख लें 6, 5, 4, पीछे 3, 2, 1 है, उसको 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल कट जाएगा। इस 3 फैक्टोरियल को लिख लिया 3, 2, 1, इसको लिखने की जरूरत कोई नहीं, क्योंकि ये ऊपर नजर आ रहा है हमें, ये कट जाएगा। ये कट गया, 6 और 5, 30, 30 तरफ 4, 120, डिवाइड बाई 6 डिवाइड किया इसको तो ये हमें दे देगा 20। इस तरह से हम फैक्टोरियल्स को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये है 8 फैक्टोरियल और नीचे हमें 4 फैक्टोरियल नजर आ रहा है, इसको खोल लेते हैं 4 तक, 8, 7, 6, 5, पीछे 4 फैक्टोरियल, पिछली सारी वैल्यूज को 4 फैक्टोरियल लिख लिया, क्योंकि नीचे हमें नजर आ रहा है 4 फैक्टोरियल मौजूद है, तो वो वैसे इसको काट देगा। ये वाला 2 फैक्टोरियल को लिख लिया 2 into 1, ये कट गया इसके साथ, ये आ गया 8 और 7, इसको भी चलें काट लें, ये आ गया 4, 7, 6, 5, 4, 7, 6,
5, इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मिल जाएगा 840। तो ये आ गया हमारे पास 840। ये 11 फैक्टोरियल है, नीचे ये सबसे बड़ा 5 फैक्टोरियल है। चलें 5 तक इसको खोल लेते हैं। 11, 12, 10, 9, 8, 7, 6, पीछे सारी लिखने की बजाय हम सबको 5 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। ये आ गया 2 फैक्टोरियल, इसको लिख लिया 2 × 1, 4 फैक्टोरियल, इसको लिख लिया 4, 3, 2, 1। ये 5 फैक्टोरियल खोलने की जरूरत कोई नहीं क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है ये ऊपर कट जाएगा। तो इस सबको आप सॉल्व करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा 6930। इन सबको मल्टीप्लाई करके जब इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये हमें ये आंसर मिल जाएगा। 9 फैक्टोरियल, इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 × 1 लिख लें। ये वाला 9 − 2 7 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो इसको खोल लें 7 फैक्टोरियल तक, 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल। 7 के पीछे वाली सारी वैल्यूज को हमने 7 फैक्टोरियल लिख लिया क्योंकि नीचे हमें नजर आ रहा है 7 फैक्टोरियल मौजूद है, वो इसको काट देगा। 2 1 × 2, ये कट गया, ये भी कट गया, तो 4 9 × 36 आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, 15 फैक्टोरियल, नीचे भी 15 फैक्टोरियल है, ज्यादा ना ऊपर वाले खोलने की जरूरत है ना इसको खोलने की जरूरत है। 15 − 15 0 फैक्टोरियल, ये सारा कट गया इसके साथ, ये बचा 1/0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल जो है 1 के इक्वल होता है, तो 1/1 1 आ गया। ये वाला आ गया 3 2 1, 3 फैक्टोरियल खोल लिया। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है तो 3 2 × 6 ये आ गया। 4 3 2 1, 4 फैक्टोरियल को ये लिख लिया। 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है, 1 फैक्टोरियल भी 1 के इक्वल होता है, तो ये सबको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 24। इस तरह से हमने इसके फैक्टोरियल खोल लिए। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इसमें उलट काम करना है, उसमें फैक्टोरियल थे, फैक्टोरियल खोले, इनको कहता है फैक्टोरियल की शक्ल में इसका आंसर लेके आए, तो हमने इनके फैक्टोरियल्स बनाने हैं। देखें ये है 6 5 4, 6 × 5 × 4, पीछे इसकी हमें चाहिए अभी 3 चाहिए, 2 चाहिए और 1 चाहिए। 3 2 और 1, उसको हम सीधा साधा 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ा इसको ताकि ये 1 तक चला जाए, नीचे 3 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड भी करेंगे। अब ये ऊपर बन गया 6 से लेकर 1 तक वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, 6 5 4 3, फैक्टोरियल 3 2 1 के इक्वल होता है, तो 6 से लेकर 1 तक ये मौजूद हैं, लिहाजा सारे को लिखा जा सकता है 6 फैक्टोरियल। नीचे ये आ गया 3 फैक्टोरियल, तो हमने इसको फैक्टोरियल की शक्ल में लिख लिया। आप इसको काट नहीं सकते कि इसको काट के 2 फैक्टोरियल बनाए। इसी तरह से इसके भी फैक्टोरियल बनाने हैं, तो देखें 12 11 10 मौजूद है हमारे पास, पीछे जो कमी है जिस चीज़ की वो है 9 फैक्टोरियल, 9 से लेकर 1 तक वैल्यूज़ की कमी है, तो 9 फैक्टोरियल से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 9 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये 12 से लेकर 1 तक सारी वैल्यूज इसमें आ चुकी हैं, 12 से लेकर 1 तक ये सारी मौजूद है, तो इसको लिखा जा सकता है 12 फैक्टोरियल और इसको 9 फैक्टोरियल, तो इसको हमने फैक्टोरियल की शक्ल में लिख लिया। इसी तरह से ये बनेगा 12 20 19 18 17, इसके पीछे 16 फैक्टोरियल की कमी है, 16 से लेकर 1 तक वैल्यूज़ की कमी है, तो हमने सारा उसको 16 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर लिया, तो नीचे 16 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। अब ये ऊपर टोटल बन गया ये 20 फैक्टोरियल, 20 से लेकर 1 तक ये वैल्यूज मौजूद हैं, तो इसको 20 फैक्टोरियल लिख लिया, नीचे आ गया 16 फैक्टोरियल। तो इस तरह से हमने इन तमाम वैल्यूज को फैक्टोरियल फॉर्म में बना लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर पार्ट, 10 × 9 / 2 × 1, फैक्टोरियल फॉर्म में इसको बनाना है, तो देखें ये है हमारे पास 10 × 9 10 × 9, तो पीछे जो कमी है वो 8 फैक्टोरियल की है, 8 से लेकर 1 तक की कमी थी ताकि ये सारा 10 फैक्टोरियल बन जाए, तो हमने 8 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई कर लिया। 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो 8 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, और ये वाला हमारे पास 2 × 1 वैसे ही मौजूद है, तो इसको तो 2 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। ये ऊपर वाला सारा बन गया 10 से लेकर 1 तक वैल्यूज मौजूद हैं, इसको लिखा जा सकता है 10 फैक्टोरियल, नीचे ये आ गया 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, तो हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें 8 7 6 8 7 6, पीछे 5 फैक्टोरियल की कमी है, 5 से लेकर 1 तक वैल्यूज की कमी है ताकि ये सारी 8 फैक्टोरियल बन जाए, तो 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। ये 3 2 1 मौजूद है, इसको तो वैसे 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अब ये 8 से लेकर 1 तक वैल्यूज मौजूद हैं,
इनको लिख लें 8 फैक्टोरियल, नीचे आपके पास है 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। इस तरह से हमने इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लिया। इसमें 49 तक मौजूद है, 48 फैक्टोरियल की कमी है, 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो नीचे उसे डिवाइड करना पड़ेगा। 48 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करने से ये 52 से लेकर 1 तक सारी आ गई है, लिहाजा सारी को हम 52 फैक्टोरियल लिख लेंगे। ये है 4321, ये वैसे ही 4 फैक्टोरियल बन गया, ये ऐसे आ गया। ऊपर ये बना है 52 फैक्टोरियल, 52 से लेकर 1 तक ये वैल्यूज मौजूद हैं। नीचे आपके पास है 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल, तो ये हमने इस फैक्टोरियल फॉर्म इसकी बना ली। इसमें भी ऐसे ही है, ये n है, ये n में से एक वैल्यू कम की है, इसमें से एक वैल्यू कम की है, ऐसे ही होता है। ये 52 है, इसमें से 1 माइनस करें ये आता है, इसमें से 1 माइनस करें ये आता है, इसमें से 1 माइनस करें ये आता है। इसी तरह से ये n भी कोई वैल्यू है, इसमें से 1 माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से फिर 1 माइनस किया तो पिछली वैल्यू आ गई, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 3 आ जाएगा, फिर n माइनस 4 आ जाएगा, एंड सो ऑन चलते चलते 1 तक ही आ जाएंगे। हम इसको लिखेंगे n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 2 से पीछे क्या आएगा, n माइनस 3, इसमें से एक कम किया ही आई, इसमें से एक कम किया ही आई, इसमें से एक कम करेंगे ये तो ये आते हैं, तो हम इसको लिखेंगे n माइनस 3 फैक्टोरियल ताकि ये 1 तक आ जाए। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो n माइनस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब ये सारा बन गया है, सबसे बड़ी वैल्यू इसमें ये है, इसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल। जैसे इसमें था 52 से लेकर ये 1 तक आ चुकी थी, तो हमने इसको 52 फैक्टोरियल लिखा। इसी तरह से ये n है और ये n से लेकर 1 तक वैल्यूज आ चुकी हैं इसमें, तो लिहाजा हम इसको लिखेंगे n फैक्टोरियल, और नीचे हमारे पास n माइनस 3 फैक्टोरियल मौजूद है। तो ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बन गई और यही हमने बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट, n प्लस 2, n प्लस 1, n। देखें ये n प्लस 2 है, इसमें से 1 माइनस किया ये आ गया, इसमें से 1 माइनस किया ये आ गया, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो अगली वैल्यूज आती जाएंगी। n प्लस 2, n प्लस 1, इसमें से 1 माइनस किया ये आ गया, इसमें से 1 माइनस किया ये आ गया, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो n माइनस 1 आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस करेंगे n माइनस 2 आ जाएगा। तो हमें पिछली सारी लिखने की जरूरत कोई नहीं, हम इसी को लिख देते हैं। इसमें से 1 कम किया है तो ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, यानी n माइनस 1 से लेकर पीछे 1 तक सारी वैल्यूज आ गई इसमें। अब इसे मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो इसी से डिवाइड भी कर लेंगे, तो ये सारा ऊपर वाला हमारे पास बना। सबसे बड़ी इसमें ये वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज इसका फैक्टोरियल बन जाएंगी, n प्लस 2 का फैक्टोरियल, n प्लस 2, n प्लस 1, एंड सो ऑन 1 तक है ये, तो लिहाजा इसको ये लिखा जा सकता है। नीचे हमारे पास है n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बन सकती है। इसमें देखें n प्लस 1, इसमें से 1 कम किया अगली वैल्यू आ गई, इसमें से 1 कम किया अगली वैल्यू आ गई, इसमें से 1 कम करेंगे तो अगली वैल्यू आ जाएगी। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख लेते हैं उसे, इसमें से 1 कम करने से n माइनस 2 आया, इसको फैक्टोरियल लिख लिया ताकि पिछली 1 तक सारी वैल्यूज इसमें आ जाए। तो n माइनस 2 फैक्टोरियल से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ा, नीचे n माइनस 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। ये वैसे ही हमारे पास 3 2 1 है, इसको 3 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। अब देखें ये n प्लस 1 से लेकर 1 तक ये वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इसको लिखेंगे n प्लस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि इसको खोलें तो सारी यही चीज़ आ जाती है। नीचे हमारे पास है 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बन गई। ये इसका लास्ट पार्ट, ये है n, उसमें से 1 कम किया ये आया, उसमें से 1 कम किया ये आया, एंड सो ऑन। n n माइनस से 1 कम किया तो ये आ गया, n माइनस 2, इसमें से 1 कम किया ये आ गया। इसी तरह चलते चलते रास्ते में एक वैल्यू आ गई है n माइनस r प्लस 1। अब इसमें से 1 कम करेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 कम किया तो पिछली वैल्यूज आ जाएंगी n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r से लेकर 1 तक आ गई। इसमें से 1 कम करेंगे तो ये आएगी, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, तो हमने n माइनस r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना पड़ा ताकि ये 1 तक बन जाए, तो n माइनस r फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। अब ये आ गया सारा, ये सारा 1 तक मौजूद है, लिहाजा इसको लिखा जा सकता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये इसकी फैक्टोरियल फॉर्म बन गई, यही हमने बनानी थी।